प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के आह्वान पर आज पूरे पंजाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 10 से 5 बजे तक पंजाब सरकार की नीतियों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा। इसी दौरान होशियारपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने अपने निवास स्थान पर उपवास रखा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के लोगों के लिए भेजा 70,000 मीट्रिक टन अनाज लोगों तक नहीं पहुँचाया गया है, जिस कारण लोग केंद्र सरकार द्वारा भेजी राहत से वंचित है। पंजाब सरकार जड़ी है रोज़ ये शोर मचाती है कि केंद्र सरकार सानू कोई फंड नहीं देंदी, जबकि वो झूठ का प्रचार कर रही है। और एक बहुत वड़ी लिस्ट जी केंद्र सरकार ने सानू भेजी है कि जी उन्होंने पंजाब में मदद के रूप में भेजी है। जो असी देखिए तो 70,000 मीट्रिक टन जी कणक और नाल दाल प्रति व्यक्ति 5 किलो हर महीने 3 महीने का जी 15 किलो कणक और 3 किलो दाल जी है वो प्रति व्यक्ति नूं दित्ती जानी है, जिहड़ी कि 30 मार्च नूं पंजाब सरकार नूं उन्हां दे हैंडओवर करती गई सी, पर पंजाब सरकार ने अज 1 मई हो गई आ हाले तक वो कणक जिहड़ा राशन भेजा सी गरीब दे लई वो वंडिया ही नहीं। और ये जिहड़ा राशन है उस जिहड़ा पहला आम वितरण हुंदा राशन उस तो वखरा आ, और 5 किलो प्रति व्यक्ति है प्रति परिवार नहीं है, भाव एक परिवार के 4 जी है तो उन्होंने 20 किलो कणक प्रति महीना मिलनी है। सो वो कणक हले तक उन्होंने वंडी नहीं गई। डिजास्टर मैनेजमेंट जिहड़ी कि हुंदी आ कि आपदा दे नाल लड़न दे लई एक फंड जिहड़ा आ केंद्र सरकार वालों भेजा जाता, वो 6,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार नूं हले तक भेजा गया, जिहदे चों हले तक एक थेला नहीं खर्चा गया। 6,000 करोड़ रुपया बहुत वड्डी अमाउंट हुंदी है किसानां नूं जिहड़े उहदे लई आया। इस तों इलावा जिहड़ी अज करोना महामारी दे नाल निबड़ लई विशेष रूप च लगभग 700-800 करोड़ रुपया सिर्फ डाक्टरी जिहड़ी सहूलतां दे लई ये विशेष रूप से आया, जिवें कि पीपी किट और नाल जिहड़ियां रैपिड टेस्ट किट और नवें सिरों भी जिहड़ियां रैपिड टेस्ट किट जिहड़ियां उन्हां लई भी वक्खरा फंड आ रहा। भाव हले तक पंजाब सरकार ने जो भी सहूलतां मुहैया कराईया गईयां उन्हां चों एक भी चीज़ जिहड़ी है वो पंजाब सरकार ने अपने खाते चों नहीं खर्ची गई। और लोगों नूं गुमराह किया जा रहा कि अभी जिहड़ा पंजाब केंद्र सरकार कुछ नहीं भेज रही। और इत्थे ही नहीं, अनुसूचित जाति दे जिहड़े विद्यार्थी है स्कॉलरशिप का पैसा भी जिहड़ा मार्च तक उन्हां नूं आ गया, हुण तक जिहड़ा आया वो 309 करोड़ 21 लख रुपया जिहड़ा वो विद्यार्थियों के लिए जिहड़ा स्कॉलरशिप का पैसा भी आया वो भी हले तक जिहड़ा आ वो सूबा सरकार ने किसी के खाते चाढ़िया नहीं। और इस तरह 4,343 करोड़ रुपया वक्रे रूप के इन्हों नूं आया। और जिहड़ा मैं देखदा कि जिहड़ा पैसा जन धन दे विच सीधा लाभपात्रियों नूं केंद्र सरकार ने भेजिया वो तो जन उन्हां दे लाभपात्रियों नूं मिल जाता है, जिहड़ा किसानां दे नूं सीधा उन्होंने अकाउंट च पाउण दी गल कीती सी जिहड़ी वो 6,000 रुपया प्रति साल प्रति एकड़ उन्होंने दिता सी किसान दे नाल, वो तां जिहड़ा आ किसानां दे खातियां च चला गया, पर जिहड़ा पैसा पंजाब सरकार नूं सीधे रूप च उन्होंने खजाने च भेजा गया वो हले तक किसी भी जिहड़े लाभपात्री नूं उहदा पैसा नहीं मिलिया। और पंजाब सरकार पंजाब की जनता नाल धोखा कर रही है, गुमराह कर रही है। और इस करके जिहड़ा अज पूरे पंजाब दे विच बीजेपी दे वलों जिला जिहड़े साडे प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी दे जिहड़ा निर्देश होया सी कि सारे ही पंजाब दे विच सारे, क्योंकि करोना करके असी समूहिक रूप च किते वड्डी जगह ते नहीं बैठ सकते और करफ्यू नूं भी असी फॉलो करदे होए असी अपने घरां दे विच ही सारे नेताओं नूं कहा गया कि उत्थे बैठन और ये जिहड़ा जिहड़ा लोगों तक ये जागरूक करन कि ये पंजाब सरकार पंजाब की जनता नाल धोखा कर रही है। और जो फंड हले तक आया वो केंद्र सरकार का आया और वो भी जिहड़ा खर्चा नहीं जा रहा और लोगों को गुमराह किया जा रहा, ये दसण दे लई अज दा ये
जिहड़ा एक उपवास दा रखिया ये 10 बजे तो लैके 5 बजे तक। द स्टैंडर्ड न्यूज़ के लिए मुक्तावालिया के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट। श्री दशमेश अकेडमी स्कूलिंग एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल नॉन मेडिकल अते कॉमर्स प्रोफेसर हरप्रीत जी। एडमिशन ओपन श्री दशमेश अकेडमी नियर ITI जलंधर रोड होशियारपुर। कॉल 82848 86187।